सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आ गए हम एक और कमाल के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा MIUI 12.5 के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला फीचर जो हमारा निकल के आता है वो होता है अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का फीचर जो है आपको MIUI 12.5 के बाद मिलेगा। तो ये वाला फीचर जो है वो आपकी लोकेशन की जो प्राइवेसी होती है उसको बेटर बनाएगा। अगर आप जो है इस वाले फीचर को इनेबल कर लेते हो तो आपकी जो लोकेशन की प्राइवेसी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट फीचर जो MIUI 12.5 के बाद निकल के आता है वो होता है न्यू वॉल्यूम कंट्रोलर का। तो MIUI 12.5 के बाद वॉल्यूम कंट्रोलर की जो अपेयरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। वॉल्यूम कंट्रोलर का लुक जो है वो बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा आपको MIUI 12.5 के बाद वॉल्यूम कंट्रोलर देखने को मिल जाएगा। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट फीचर जो निकल के आता है वो होता है न्यू पावर मेन्यू का। पावर मेन्यू जो है इसमें आपको कोई फीचर ऐड नहीं किया गया है, लेकिन बल्कि उसका जो अपीयरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त किया गया है, बहुत ही बढ़िया आप लग रहा है। तो हमारा नेक्स्ट फीचर जो आया है वो होता है कन्वर्ट फोटो इंटू PDF। तो MIUI 12.5 के बाद अब अगर आपको PDF बनानी है तो आपको कोई ऐप की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप MIUI गैलरी में जो है क्रिएट PDF के ऑप्शन पे अपनी फ़ोटोज़ को जो है वो PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट फीचर। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे फीचर की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा निकल के आता है वो होता है न्यू कैमरा सेंटिंग इंटरफेस। तो अगर आप कैमरा के प्रो मोड में जाते हो तो आपको MIUI 12.5 के बाद कुछ ऐसा वाला इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे ब्लॉक का मोड भी है, नाइट का मोड भी है। अगर के 48 मेगापिक्सल का कैमरा है तो आपको कुछ ऐसा वाला इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा निकल के आता है वो होता है न्यू क्लीनर इंटरफेस। तो अगर आपके फ़ोन में क्लीनर है तो आपको कुछ ऐसा वाला इंटरफेस देखने को मिल जाएगा MIUI 12.5 के बाद। तो इससे पहले ये ब्लू कलर का लगता था, तो MIUI 12.5 के बाद ये रेड कलर का हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट वाला फीचर जो निकल के आता है वो होता है न्यू नोटिफिकेशन सेंटर। ये वाला फीचर जो है वो आपको एंड्रॉयड 11 में मिल जाएगा। अगर आपके डिवाइस में MIUI 12.5 का अपडेट आया है तो आपको एंड्रॉयड 11 का अपडेट भी मिल चुका होगा। तो MIUI 12.5 के बाद नोटिफिकेशन सेंटर कुछ ऐसा वाला देखने को मिल जाएगा। तो अब रहे और कुछ फीचर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू फिंगरप्रिंट एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे सुपर रेजोल्यूशन, वॉइस कंट्रोल और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको MIUI 12.5 के बाद देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपके डिवाइस में अभी तक MIUI 12.5 का अपडेट नहीं आया है तो आप अपने डिवाइस का जो नाम है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा तो मैं आपको उस वीडियो में बताऊँगा कि आपके डिवाइस के लिए MIUI 12.5 का अपडेट जो है वो कब तक रोल आउट स्टार्ट होगा इंडिया में। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते जाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाओ और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।